अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में एक ऐसे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शेयर करूंगा जो कि गेमिंग सेगमेंट का स्मार्टफोन है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 30,000 रुपये की रेंज के अंदर अभी लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मोबाइल अपार्ट फ्रॉम गेमिंग यहाँ पे कैमरा के अंदर भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर जाता है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर काफ़ी सारे गेमिंग स्मार्टफोन्स देखे लेकिन उनके अंदर यही इशू होता था कि अगर तो प्रोसेसर अच्छा है तो कैमरा वीक है और अगर कैमरा अच्छा है तो प्रोसेसर वीक है। बट आई थिंक ये मोबाइल फाइनली अपनी रेंज के अंदर वाहिद स्मार्टफोन होने वाला है जो कि कैमरा के अंदर भी अच्छी वैल्यू डिलीवर करेगा और साथ में गेमिंग के अंदर भी अच्छी वैल्यू डिलीवर करेगा। दोस्तों जो मोबाइल मेरे पास है आज की वीडियो के अंदर वो है Realme C25। अब ये मोबाइल फ़ोन Realme कंपनी तरफ से और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस रखी गई है वो 30,000 रुपये की रखी गई है लेकिन जब मैंने इसको लोकल मार्केट के अंदर पता किया तो आपको इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो तो आगे चल के डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और कैमरा परफॉर्मेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जहां तक अनबॉक्सिंग की बात है तो यहां पे बॉक्स बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हम सी सीरीज़ के अंदर प्रीवियसली स्मार्टफोन देख चुके हैं। यहां पे मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूं और बॉक्स को ओपन करते के साथ टॉप पर आपको एक अदद बुकलेट मिल जाती है। बुकलेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर पिन मिल रही है और फर्दर यहाँ पे आपको एक सिलिकन केस मिल रहा है और कुछ यूज़र मैनुअल्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आपको सिलिकन केस प्रोवाइड कर दिया गया। खैर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए सिलिकन केस की क्वालिटी की तो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, डिसेंट क्वालिटी का केस है। फर्दर बात करते हैं यहाँ पर तो मोबाइल मौजूद है हमारे पास बॉक्स के अंदर। मोबाइल को साइड पर रख देते हैं, इसके फर्स्ट लुक इम्प्रेशन बाद में देखेंगे लेकिन बाकी कंटेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो चार्जर प्रोवाइड किया गया है काफ़ी बड़ा चार्जर है बाय द वे और जो चार्जर की रेटिंग है वो 18 वॉट की है और ये चार्जर बेसिकली मोबाइल को फास्ट चार्ज करेगा 18 वॉट के ऊपर और मोबाइल भी हमारा 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे केबल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी की केबल मिल जाती है। इसके अलावा मोबाइल के साथ आपको कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे फर्स्ट लुक इम्प्रेशन की जहाँ तक बात है तो मोबाइल नो डाउट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लुक इम्प्रेशन के अंदर काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो कलर मेरे पास आज मौजूद है वो वाटर ब्लू के नाम से है और जो वेरियंट मेरे पास है वो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है। यहाँ पे मोबाइल के रियर साइड के ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जहाँ तक डिस्प्ले की बात है तो यहाँ पे 6.5 इंचेस का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है टीयर ड्रॉप डिज़ाइन के अंदर। 720p की रेजोल्यूशन है, डेट मीन्स यूट्यूब वगैरह के अंदर आपको मैक्सिमम स्ट्रीमिंग क्वालिटी है 720p तक की मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बात की जाए मोबाइल के मेन सेलिंग पॉइंट यानी कि प्रोसेसर परफॉर्मेंस की और यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक G70 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है जो कि गेमिंग के अंदर हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आउट कर चुके हैं और अच्छा परफॉर्म करता है बाय द वे ये प्रोसेसर। यहाँ पे मैंने मोबाइल के ऊपर पबजी ऐसे गेम्स यहाँ पे प्ले करे और पबजी ऐसे गेम्स की अगर बात करूँ तो बिल्कुल लैग फ्री चलते हैं, ग्राफिक की क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है और जो यहाँ पे ग्राफिक की क्वालिटी है वो आपको स्मूथ और बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा तक मिल जाएगी और HD के ऊपर यहाँ पे ये मोबाइल हाई तक की सेटिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर गेम प्ले आ रहा है पबजी का, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। गेम मैंने इसके ऊपर काफ़ी देर तक प्ले करी और यहाँ पर मुझे ऐसा खास लैग नहीं मिला। मोबाइल यहाँ पे ऑल तो थोड़ा बहुत हीट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो जी सीरीज़ का और यहाँ पे मीडियाटेक की जो जी सीरीज़ है वो अक्सर हमने देखा है कि गेमिंग के दौरान हल्का सा हीट कर जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी ये हैवी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रही होती है। दोस्तों हमें फर्दर बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूं और आप लोगों को बरवक्त टाइम पे स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ मिल सकें। इसके अलावा वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देगा, आज की वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक पे सेट करते हैं, उम्मीद है आप लोग लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल के अंदर 6000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और इसको चार्ज करने के लिए 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। बाय द वे अगर आपने इसका चार्जिंग टेस्ट कंप्लीट देखना हो तो मैं आई बटन के लिंक लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेगा। फ़ोन बोली के ऊपर इसका चार्जिंग टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। फर्दर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे मोबाइल की ओवरऑल यहाँ पे यूजेज की तो यूजेज के अंदर मुझे कोई ऐसा खास लैग इसका नहीं मिला। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है वो Realme UI 2.0 का है जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस करता है और जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्लीन है, एड्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं मिलते। फर्दर बात की जाए यहाँ पे सेकंड सेलिंग की रीज़न जो कि मोबाइल का कैमरा है। यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो कैमरा के अंदर आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फोटो मोड मौजूद है जो कि डिफ़ॉल्ट कैप्चर करता है। फर्दर यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी मौजूद है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का एक सेपरेट मोड आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि स्पेसिफिकली 48 मेगापिक्सल के ऊपर इमेजेस को कैप्चर करके देगा।
फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे स्लो मोशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे बाकी सारे वही नॉर्मल मोड्स हैं जो कि आपने दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर भी देखे होंगे। वीडियो की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर आपको 720p और 1080p के ऊपर दो क्वालिटी के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फ्रेम्स 30fps और 60fps तक सपोर्टेड हैं। फर्दर बात की जाए तो यहाँ पे ओवरऑल कैमरा के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिसिंग लगा जो कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस का था और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि अल्ट्रा वाइड लेंस आप में से कौन कौन इस्तेमाल करता है और अगर मोबाइल के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस ना हो तो कौन कौन मिस करता है। खैर मुझे तो ऐसा पर्सनल यूजेज के अंदर इशू नहीं होता अल्ट्रा वाइड लेंस हो या ना हो क्योंकि मैं अल्ट्रा वाइड कैप्चर बहुत ही कम करता हूँ या फिर ना होने के बराबर करता हूँ। फर्दर दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो मोबाइल के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस्तेमाल किया गया है और कैमरा के मामले में ये डिवाइस मुझे काफ़ी हद तक एक डिसेंट डिवाइस लगी। यहाँ पे क्वालिटी अच्छी खासी आ जाती है और उसी तरफ गेमिंग के अंदर भी अच्छी आ जाती है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस मोबाइल फ़ोन को आई थिंक काफ़ी हद तक एक डिसेंट डिवाइस बना देते हैं अपनी प्राइस रेंज के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों प्राइस रेंज की बात की जाए तो मोबाइल की जो ऑफिशियल प्राइस है वो 30,000 की है लेकिन लोकल मार्केट के अंदर मैंने पता किया ये मोबाइल 26,000 और 26,500 की रेंज के अंदर मिल रहा है और आई थिंक 26,000-26,500 की रेंज के अंदर ये डिवाइस एक डिसेंट डिवाइस है खासतौर पे गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर और कैमरा परफॉर्मेंस के अंदर। और तो यहाँ पे लुक वगैरह भी अच्छा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी अच्छे परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। तो आप में से अगर कोई बंदा रियलमी की कैटेगरी के अंदर कोई एक डिसेंट गेमिंग स्मार्टफोन कंसिडर करने का सोच रहा हो 26,000-27,000 की रेंज के अंदर और उसको बेहतर परफॉर्मेंस भी चाहिए कैमरा की तो आई थिंक वो रियलमी C25 को ट्राई कर सकता है क्योंकि करंट मार्केट के अंदर रियलमी C25 ही आई थिंक वाहिद डिवाइस है रियलमी की जो कि रियलमी की कैटेगरी के अंदर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है और साथ में कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रही है क्योंकि हमने रिसेंटली रियलमी की सी सीरीज़ के अंदर C3 देखा था जो कि तकरीबन साल पहले लॉन्च हुआ था। उसके अंदर भी आपको गेमिंग प्रोसेसर मिलता था लेकिन वहाँ पे जो कैमरा की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी खासी वीक थी। मैंने उसका भी रिव्यू करा था, आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि थोड़ा सा कैमरा वगैरह को इम्प्रूव कर दिया और यहाँ पे वेरिएंट्स को भी इम्प्रूव किया क्योंकि वहाँ पे वेरिएंट में भी इशू था 3GB 32GB का वेरिएंट था तो उसके मुकाबले में तो मुझे यहाँ पे अपग्रेड्स काफ़ी अच्छी लगी। और आप लोगों को ये डिवाइस ओवरऑल किस तरह की लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देगा, आज की वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक का रखा है और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक कर देगा ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।